अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट अरूसा तोसीब और आज हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट के बारे में, नाश्ते के बारे में, जो कि बहुत कॉमन सी चीज़ है, पर इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, आप डाइट कर रहे हो या आपकी जो भी आपकी रूटीन है, आपको ब्रेकफास्ट किस तरह से लेना चाहिए, जैसे क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो अब बेनिफिट्स की जहाँ तक बात की जाए तो 7 से 8 घंटे की फास्टिंग होती है जब हम सो रहे होते हैं, उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हम अक्सर ऐसे ही चले जाते हैं या एक कप चाय लेकर या एक टोस्ट लेकर हम समझते हैं कि ये हमारा ब्रेकफास्ट जो है यही है, उसी को हम अपना नाश्ता कंसीडर करते हैं और हम अपनी रूटीन के काम जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। पर उससे क्या ऐसे जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आपको कौन से नुकसान जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है उस एक चीज़ से, आपके नाश्ते से। अब एक रिसर्च के बाद ये भी पता चला था कि वो बच्चे जो कि ब्रेकफास्ट लेते हैं वो उन बच्चों के कंपैरेटिवली उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों के जो कि ब्रेकफास्ट नहीं लेते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डाइट कर रहे होते हैं वेट लॉस करने के लिए, तो उसमें वो नाश्ते को स्किप कर देते हैं, उनको ये लगता है कि नाश्ता स्किप करेंगे तो उनकी डाइट जो है वो बेहतर रहेगी, जो कैलोरीज हैं वो कंट्रोल रहेंगी, पोर्शन कंट्रोल रहेगा, पर इस तरह से नहीं होता। क्योंकि अगर एक रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जब आप नाश्ता करते हो और ख़ासतौर पर आप होल ग्रीन वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, ये चीज़ें आपके स्टमक में जाती हैं, इनमें फाइबर ज़्यादा होता है। अब फाइबर की जब डाइजेशन होती है तो उसके बाद शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, ये ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि आपकी हंगर को प्रमोट करता है, आपको भूख जो है जिसकी वजह से ज़्यादा लगती है। अब अगर आप मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाह रहे हैं, अपनी सेहत के बारे में कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो आप मरहम के थ्रू किसी भी टाइम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। शुक्रिया।